सामने ताश खेडी जाते इतने बैठे इतने कार खड़ी कार दे दो मुंडे ही एक कुड़ी ही बहुत चिर गल्लां मारी जांदे सी अही ताश खेडी जाते बाद च इधरों एक मोटरसाइकिल से आया उत्थे उन्हें कार के पिछे मोटरसाइकिल खिलारी है उन्हें जो फायर किया फिर साइकिल का पटाखा मारिया ही इधरले पासे देख लग पे जो दूजा फायर मारिया उन्हें तो फिर वो दूजा फायर मारिया जो वजह जो कुड़ी तो मुंडा उठ के एन भज गए फिर फिर अही रौले पा ही कहला भी वह भज गया मुंडा बहुत फायर हो गया तीजा फायर वह खाली गया वो फिर आराम नाल मोटरसाइकिल से चढ़ के आराम नाल इधर चला गया नहीं वो फायर उन्हें जी कुड़ी नाल से ही मारिया कुड़ी का ही वजह तीन फायर मारे है जो तीजा फायर जो उठ के भज गए तीजा फायर कुड़ी इधर तीन ही इधर आके भजया कुड़ी तो मुंडा इधर भजने दो मुंडे ही कुड़ी इधर भजने इतने ट्रैफिक वाले को आके फिर ट्रैफिक वाले ने अपना टेम्परे बना के दो मुंडिया हुणी दी थोड़े ही टाइम दी गल है जी अज तां जी भज गया पार्किंग च होने सर अज तां ते ओह कहिंदे कुड़ी ने लपड़े लपुड़े मारे ते मुंडे ने फिर फैर मारे जी दो मारे छीने जे बोले सिर बजे ढिड ढुड च बस ऐ गल सी जी अज तां मुंडे का ही इतों पता नहीं कुड़ी इतने खड़ी थी तो मुंडे इधरों आए इधरों एनू भज गए एक मतलब सरदार जहाँ परना जहाँ बंदा जी मुंडे शायद तो एक एनक भी लगी थी चिट्टी बिकल थी हाँ मोटरसाइकिल थी सर कुड़ी ने मारे थप्पड़ मुंडे ने गोली चला और फायरिंग हुई है तो लड़की की आइडेंटिटी जो वार करने वाले ने उन्हों की आइडेंटिटी असं वेरीफाई कर रहे हैं तो लड़की फिलहाल हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया बाकी अजे फैक्ट्स देख रहे हैं की लड़की की वेरीफिकेशन कर रहे हैं कौन लड़की से किमें इतने खड़े से तो वो लड़का कितों आए हैं किधर द आए हैं वो सारे फैक्ट्स अजे वेरीफाई कर रहे हैं वो अजे कुछ मैं कह नहीं सकता वो अगे फैक्ट्स वेरीफाई करा इन्वेस्टिगेशन देखा वो हॉस्पिटल इतों शिफ्ट की है मैं हूँ हॉस्पिटल जाके अभी चेक कर दें वो असी चेक करते हैं जी इतों एक बार शिफ्ट किया गया उन्होंने हॉस्पिटल से सिविल हॉस्पिटल पटियाला जी इतों एक बंद ने तीन कहा बट अदरवाइज असं वेरीफाई करा फैक्ट्स की ने वो अभी चेक कर रहे हैं जी मेरा नाम जी डॉक्टर हर्षित गोयल है मैडिकल अफसर सिविल हॉस्पिटल बठिंडा साढ़े तो बस स्टैंड के सामने एक लेडीज़ में लिया गया जिसनों चैक उपरंत करन पता लग्या कि उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी सी उसकी बॉडी मॉर्चरी के शिफ्ट कर दिया गया है तो पुलिस ने इनफॉर्म कर दिया गया है मुढ़ले हालातों तो देखते हुए इस तरह लगता है कि जिस तरह फायर आर्म इंजरी सस्पैक्ट कर रहे हैं जी असी बाकी सही मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनते ही पता लगेगा डॉक्टर साहब कुछ पता लगे कितनी उम्र है जी कुछ देखने मुताबक जी नाम तो हजे उसका नहीं पता पर देखने मुताबक उसकी उम्र 30-35 साल लग रही है